चुनाव का माहौल है, 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, ऐसे में शेयर मार्केट पर सबकी नजर है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और 5 साल में एक ही बार शेयर बाजार में चुनाव वाला माहौल देखने को मिलता है। शेयर बाजार में यही वो मौका होता है जब बाजार में क्या होने वाला है इसका अनुमान लगाना बड़े बड़े एक्सपर्ट के लिए भी मुश्किल होता है। चुनावी नतीजों के एक महीने पहले से ही बाजार में ऐसे हालात बनने लगते हैं जिससे बाजार बेहद वोलाटाइल यानी कि खतरनाक हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाजार की दिशा और दशा को पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। इस बार चुनावी माहौल में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई तो बाजार आसमान छू जाएगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट इससे थोड़ी अलग राय रखते हैं। मार्केट को हमेशा कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होती है, तो जब भी कोई उनको ऐसा लगता है कि करंट गवर्नमेंट शायद वापस ना आए, जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये सीन बन जाए कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, फॉरेन रिलेशंस उनके कैसे रहेंगे और वर्ल्ड में उनका कैसा रहेगा, क्या स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। पिछले कुछ चुनावों के नतीजों के दिन अगर एनालिसिस किया जाए तो एक्सपर्ट के मुताबिक 2004 में नतीजे के दिन बाजार में भारी गिरावट देखी गई, 2009 में नतीजे के दिन बाजार थोड़ा बहुत ऊपर गया, 2014 में नतीजों के दिन बाजार 4-5% ऊपर गया, 2019 में नतीजों के दिन बाजार ने उछाल दिखाया। मतलब ये कि बाजार को सरप्राइज पसंद नहीं आते। डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, उस दिन जरूर थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। देर आफ्टर कैसे रहता है वो बहुत कुछ आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं कि लोगों को लगता है कि नतीजों के दिन जमकर ट्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि बाजार में मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा और वो एग्जिट पोल और चुनाव के दिन आने वाली खबरों के जरिए शोर हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, असल में चुनावों के नतीजों के दिन या फिर चुनाव के एक महीने पहले और बाद बाजार बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ऐसे में लोगों को नतीजों के दिन बाजार से दूर रहना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि दोनों ही दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। देखा गया है कि जो हमारे देश का मतदाता है इस बार थोड़ा साइलेंट मोड में रहा है, तो मैं समझता हूं कि अगर मन मुताबिक सरकार जो स्थिरता देश के अंदर ला सके अगर नहीं बन पाई तो निश्चित तौर पे मार्केट के अंदर भी अस्थिरता का दौर हो सकता है और ऐसे में एक इन्वेस्ट करना बहुत जोखिम भरा कार्य हो सकता है। बाजार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बीजेपी की बन रही है या कांग्रेस की, कभी भी बाजार को किसी भी पार्टी की सरकार बनने से कुछ खास असर पड़ते हुए नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, बाजार एक जमी जमाई व्यवस्था पर चलने में ज्यादा फायदेमंद महसूस करता है। इस बार चुनावी नतीजों के दिन कम से कम जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो इन्वेस्टर्स को बाजार से दूर रहने की सलाह देते हैं, खासकर वो इन्वेस्टर्स जो बाजार में सेफ खेलते हैं, रिस्की ट्रेड्स नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।